एग्जाम्पल 17, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. तो फोर्थ वाले में डाउट है, फोर्थ वाले में डाउट है। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन तो क्लास में किया था, साइन 2a बाई, अरे स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो कल क्लास में किया था, मैंने पूछा भी था क्यों लगाया फॉर्मूला। चलो साइन 2a को क्या लिख सकते हो बताओ? 2 sin a cos a, और 1 + cos 2a क्या होता है? 2 cos square a। दिक्कत क्या है बेटा, 2 और 2 और cos और cos, क्या बचा? 10a। क्या बचा? 10a। और बोलो सर। हाँ सर, इस क्वेश्चन को sin 2 और cos 2 के 10a वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना? यस यस, व्हाई कांट वी, वी शैल, वी शुड। मेथड 2, साइन, जितने तरीके बताओगे उतना अच्छा लगता है, फिर मुझे क्लास में मजा भी आता है। 2 tan a बाई क्या होता है फॉर्मूला, मैं भूल गया, तुम बताओ। 1 + tan square। यहाँ पर क्या आएगा रे? 1 - tan square। 1 + tan square। 1 + tan square। वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 - tan square 2 हो जाएगा ना, 2 और 2 और एक कट गया, क्या आंसर आ गया? 10a। अरे इतना क्लियर है? यस सर। हो गया जी? यस सर। यस सर। और बोलो। हाँ जी, फोर्थ किया, फिफ्थ, सिक्स्थ, कौन सा? नो सर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, नो डाउट सर, एट्थ, नो डाउट, नो सर, नाइन्थ, नो सर, टेंथ, यस सर, यस सर, टेंथ नो डाउट सर। 1 - cos a + cos b - cos a + b - 1 + cos b - cos b - cos a + b। ठीक है, चलो भाई, तो 1 - cos a क्या होता है बताओ? 2 sin square a by 2 + cos c - cos d 2 sin a + b - b by 2 a by 2 आ जाएगा। अब भाई एक महीने से पढ़ा रहा हूं तो इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना बेटा कि फॉर्मूला तुमको याद है। तो ये कितना होगा? sin a + sin a by 2 + b आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 + cos a क्या होगा? 2 cos² a by 2, ठीक है। और cos b + cos a + b क्या होगा? 2 cos a + 2b। हाँ बोलो। अरे cos c plus cos d होगा ना, कितना होगा? a + 2b by 2, तो a by 2 + b आएगा, बोलता ही नहीं है कोई यार। और यहाँ पे क्या होगा बोलो? cos
दिस माइनस दिस बाई टू तो कितना आएगा ए बाई टू, क्लियर है क्या ये? यस सर। बाहर क्या आएगा, टू 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 कट गया ना, तो बाहर कितना आया बोलो? तो पहले वाले में साइन ए बाई टू, यहाँ क्या बचा? साइन ए बाई टू प्लस साइन ए बाई प्लस प्लस बी। नीचे में cos a by 2, हाँ cos a by 2 minus cos a by 2 plus b। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा tan a by 2, ठीक है, और यहां पर sin c plus sin d क्या होगा, 2 sin C plus D by, अरे भाई हेलो, C by 2 and cos C minus D by 2 और यहाँ पर 2 sin A by 2 तो B by 2 आ जाएगा और sin B plus A by 2 plus A तो B plus A by 2। आपको फॉर्मूला लिखना तो आना ही पड़ेगा ना, अब तो ये और ये कट गया, आ गया ना प्रूफ, क्या आया tan A by 2 और अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो इसको, आगे बोलो। 11 cos a by 1 plus minus sin। पहला क्वेश्चन ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है? cos a by 1 plus sin a, हाँ, is equals to tan 45 minus a by 2। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो फिर आओ जो देखा जाए, तो चलो पहला से करेंगे या फिर LHS से? दोनों से करो, कोई अंतर नहीं पड़ता, यू कैन डू बाय बोथ द मेथड्स। अगर तुम LHS से RHS जाना चाहते हो तो भी कर दूंगा। कैसे करेंगे, कल भी ये क्वेश्चन किया था ऐसा, बताओ cos A है ना? यस सर, तो उसे cos A by 2 की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। और इस वन को लिखा cos square a by 2 plus
साइन स्क्वायर ए बाई टू ओके माइनस टू साइन साइन ए ए बाई टू कॉस ए बाई तो क्या आएगा cos square a by 2 minus sin square a by 2 the whole square समझा तो अभी ऊपर yes, में a minus b a plus b लिखेंगे तो क्या फायदा होगा अगर a square minus b square है और यहां पर a minus b का whole square है तो क्या बचेगा बताओ दिखता है ऊपर में a plus b by a minus b बचेगा तो क्या आएगा cos a by 2 cos a by 2 plus sin a by 2 minus sin a by 2 by cos a by 2 minus sin a by 2 ये क्लियर है मैं cos a by 2 बाहर निकालता हूं तो क्या होगा 1 plus tan a by 2 by 1 minus tan a by 2 अभी 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 plus tan a by 2 by tan 45 minus 1 minus tan 45 tan a by 2 हाँ तो क्या आ जाएगा ये tan of 45 plus a by 2 ये क्लियर है क्या यस सर क्लियर है और बोलो हाँ भाई और बताओ ये आ गया किससे किया हमने LHS से RHS ना यस सर और RHS LHS करना है तो ओपन कर दो सर tan 45 plus a by 2 के फॉर्मूला से करेंगे हाँ और फिर साइन cos में चेंज करके फिर रैशनलाइज कर दोगे जस्ट जो यहाँ पे किया हो ना उसी का उल्टा प्रोसेस यस सर ये दो क्वेश्चन था ना एक क्वेश्चन ये माइनस प्लस था एक क्वेश्चन प्लस माइनस का था प्लस माइनस का और इतना क्लियर है क्या यस सर अरे कॉपी हो गया क्या नो सर सर ये जो पूरा क्वेश्चन है उसमें सेकंड लास्ट स्टेप में ही प्लस माइनस साइन से वो डिसाइड होगा ना फाइनल आंसर हेलो फिल्म टीवी नहीं है यहाँ पे डिस्प्ले में ओके मतलब हाँ भाई कॉपी कर लिए क्या यस सर और बोलो सेकंड ठीक है कौन सा आ गया हो गया ना और बोलो सर ट्वेल्थ सर ट्वेल्थ सर ट्वेल्थ फैन चलाना पड़ेगा बहुत गर्मी है लोग की आवाज डिस्टर्बेंस है तो बोलना है ना धीमा करता हूँ धीमा कैसे होता है कौन सा करना है ट्वेल्थ वाला
यस सर sec 8a minus 1 by sec 4a minus 1 1 is equals to tan 8a by tan 2 by tan 2 तो sec 8a minus 1 कितना होगा को चेंज करते हैं sec का फॉर्मूला को मालूम ही नहीं है क्या करेंगे cos में करेंगे उसे और यहां पर भी cos में यहां तक क्लियर है क्या yes, sir. यहां पर जो cos था ऊपर चला जाएगा और यहां पर जो cos था वो नीचे आ जाएगा बोलो भाई यहां तक क्लियर है तो अगला स्टेप लिखूं मैं सर क्लियर है 1 minus cos 8a 1 minus cos डब्बा 1 minus cos डब्बा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर डब्बा बाई 2 और 1 माइनस कॉस 4a क्या होगा समझ रहे हो ना कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं आप लोग फॉर्मूला याद नहीं किया ना यार ये दिक्कत हो गई 2 साइन स्क्वायर 2a साइन स्क्वायर 2a डब्बा डब्बा खेलो तो ये कितना होगा बोलो 2 साइन स्क्वायर 2a इनटू कॉस 4a बाय कॉस 8a कॉस 4a बाय कॉस 8a इतना क्लियर है तो ये और ये कट जाएगा तो साइन बोलो क्या होगा इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे फिर रुको तो साइन 4a इनटू एक मिनट रुक जा भाई साइन मैं लिखा क्या है पर राइटिंग साफ साफ कर दूं साइन स्क्वायर 4a cos 4a है ना और ये cos 8a राइट और ये क्या लिखा है sin स्क्वायर 2a हाँ ठीक अब देखो sin स्क्वायर 2a जो है ना 4a sin स्क्वायर 4a है ना तो मैं उसमें से एक sin 4a को ऐसे लिखा और दूसरे sin 4a को ऐसे लिखा और फिर से cos 4a लिख दिया और फिर से नीचे में मैं क्या करूंगा इसको ऐसे ही लिखूंगा समझ रहे हो यहां तक यस सर अभी क्या होगा सर अभी साइन 4a इनटू साइन 4a कॉस 4a सुनो तो मैं क्या कह रहा हूं करने को यहां पर देखा ध्यान से ये जो साइन फोर यहां पे मैंने एक टू दिया और एक टू दिया क्यों दिया यहां पर टू और यहां पर टू क्यों दिया फॉर्मूला यूज फॉर्मूला बनने के लिए तो क्या बन जाएगा साइन एट साइन फोर ए बाई 2 साइन स्क्वायर 2a है ना और इनटू कॉस 8a अभी इस साइन 4a को क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2a कॉस 2a कॉस 2a साइन 8a डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2a हां cos 8a तो ये और ये कट जाएगा ये और ये कट जाएगा कितना आया sin by cos क्या होता है बेटा tan 8a और इसको नीचे देखो यहां पर sin है ऊपर में cos है वो नीचे आगे क्या बना देगा वापस से tan 2a tan 2a और इतना क्लियर है क्या yes sir कॉपी करिए जी
कॉपी कर लिए? यस सर। और बोलो। हाँ भाई और बोलो, चलो पूछो। जो भी की हो तो पूछो, मतलब हम क्या ही मैं पीछे पढ़ने सुन पढ़ाई होती है सर। 13 13th वाले में थोड़े सेकंड के लिए 45 माइनस ए को कुछ सोच सकती है तो देख, कुछ इमेजिन कर पाती है? अगर थोड़े देर के लिए बेटा 45 माइनस ए को थीटा मानेगी तो इमेजिन कुछ कर पा रही है क्या? सर ये कॉस 2 थीटा का इनवर्स फॉर्मूला है। हाँ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस, चमक रहा है बेटा? तो yes, ये क्या लिखा है, कॉस टू थीटा है ना, और कॉस टू थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस टू है राइट, कितना होगा साइन टू है, चमका? यस सर। अरे बोलो भाई साहब, क्लियर है ना? चलो कॉपी करो, करके तो होमवर्क आए हैं 3-4 लोग, बट बाकी बहुत लोग होमवर्क नहीं किए हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस का, ठीक है? तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। सिलेबस में कहोगे मैं फास्ट ले जाऊंगा, बट ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आती है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री तो हर टॉपिक में आएगा थोड़ा, तो कम से कम कॉपी कर लो। कॉपी हो गया बेटा? यस सर। कॉपी हो गया? एक मिनट यार, मैं लैब पे डिस्चार्ज हो रहा है, घर में मेरे कोई चार्जर कहाँ होता है मुझे मालूम नहीं रहता है, तो मैं टाइम दो मुझे चार्जर का। हो गया? यस सर। चलो आगे बोलो। हाँ 14th नो डाउट सर। नो सर। 15th नो डाउट सर। 16th नो सर।
17th? No doubt, sir. 17th बोलो डाउट है क्या? No sir. No sir. No sir. 18th? Yes sir. 1+2 साइन क्या लिखा हुआ है? 2a. चलो भाई, तो तरीके बहुत सारे हैं, एक तरीका नहीं है, 3-4 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? बट मैंने डिसाइड किया कि मैं एक तरीके से करता हूं, अगर इंटरेस्ट है तो आप और तरीके से करके पूछ सकते हो। दूसरे बैचेस में मैं कई बार 2-3 तरीके से कर रहा था मैं स्टार्टिंग में। cot a प्लस 15, tan a माइनस 15। मुझे एक चीज बहुत सिंपल, जो सबसे फास्ट चीज मुझे दिख रही है, सबसे फास्ट, ठीक है, वो मेरे को ये दिख रहा है cos a प्लस 15 और यहां पे sin a प्लस 15 माइनस sin a माइनस 15 हाँ cos a माइनस 15। अभी क्या होगा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? cos a माइनस 15 माइनस साइन a माइनस 15 बाय sin a प्लस 15 cos a माइनस 15। ठीक है, नाउ व्हाट? अभी मुझे बहुत सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, तुमको भी दिखना चाहिए, ठीक है? नहीं दिखता है तो मत दिखे। ऊपर में तो भरा पड़ा है, ऊपर में तो फॉर्मूले की लिस्ट लगी हुई है, लाइन लग गई है। मुझे तो बहुत सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, याद है? cos a प्लस b cos a माइनस b, याद है कि नहीं? अगर नहीं याद उसके, ऐसा नहीं yes, sir, याद है। उसके बिना भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस बेटा sin स्क्वायर 15। क्लियर है बेटा? यस सर। अबे गधो बोलो बेटा, क्लियर है क्या? yes, अभी यहाँ पे क्या बेटा, अबे क्लियर है क्या? अबे यस सर। और नीचे में 2 cos 2 साइन ए कॉस भी क्या होता है रे? 2 साइन ए कॉस भी क्या होता है? प्लस साइन 30 हो जाएगा। याद तो नहीं है अभी भी फॉर्मूला अच्छे से, ठीक है? ये और ये कटेगा तो क्या आएगा? अभी नेक्स्ट वीक मेरा क्लास में आएगी, घंटे की लगाऊंगा वापस 6 दिन, तब तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री याद होगी, तुम लोग बीच में मस्ती करने चलेगा लगता है, ऐसे होगा नहीं है। साइन 2a साइन 30 क्या होता है? हाफ है ना। अभी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? cos 2a। तुम लोगों को फॉर्मूले की फील नहीं है अभी। 2 sin 2a प्लस 1 और एक 2 और ऊपर गया ना तो क्या आ गया? 4। क्लियर है क्या? यस सर। सर वो 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा 2 cos 2a और sin 2a प्लस 1 हो जाएगा। सही तो लिखा मैंने। अब इसको करने के मैंने cos से किया है। अब जैसे यहां पर तुम 2 cos a cos b का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है? Yes,
अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। हो गया? नो सर। कॉपी कर लिए सर? लास्ट डन सर। और बोलो। चलो ये कौन सा था? 18th वन। 19th नो डाउट सर। नानी तो क्लास में किए थे, याद है? याद तो नहीं है, नोट्स तो पढ़ते नहीं है। तो 19th तो क्लास में किए थे। ठीक है ठीक है। सेकंड पेज, सेकंड पेज। तो एक बार वो सेवेंथ क्वेश्चन के आंसर्स बता दीजिए, वो बहुत ही रूट में आ रहे हैं। बहुत ही गंदे आएंगे। मैं सेवेंथ क्वेश्चन को एंड में कराता हूँ एक डिफरेंट मेथड से। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट गेट रीड ऑफ 8 to 15। चलो एट्थ क्वेश्चन। सर वो सेवेंथ क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। मैं करता हूँ, एंड में करता हूँ। ठीक है, कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे ना, कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन बताओ। यस सर, एट में डाउट है। tan थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू आ गई। नहीं, तुमने गलत निकाला। जो तुम्हारा आया है ना, वो tan थीटा माइनस 5/2 है। तुमने फॉर्मूला गलत लगाया cos a प्लस b का। cos थीटा प्लस cos phi इज इक्वल्स टू b। दोनों को स्क्वायर करके, अरे तुमने क्लास में किया था, दोनों को स्क्वायर करके एड करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइ प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइ प्लस 2 साइन प्लस 2 कॉस फाइ कॉस थीटा। यार जानते हो, बाकी बच्चों आप लोग नहीं समझ नहीं पाते हो। आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, वो तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत जगह। आप ये क्लास में ना बात करने के लिए, लाइव डाउट पूछने के लिए ही पैसे देते हो कोचिंग्स को। ठीक है, और उसको आप यूज नहीं करोगे ना, आपका नुकसान हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। आप लोग चुप रहते हैं, बस एक दो बच्चे बोलते हैं, मतलब पैर कोई खा थोड़ा ना जाएगा। आपको बोलना चाहिए यार, डिस्कस करना चाहिए अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स। सर मेरे से नहीं बना, मैं ये नहीं कर पाया, तो अपन हेल्प कर सकते हैं ना यार। आप पूछोगे तो क्या ही हेल्प होगा। ये किसका फॉर्मूला आया है? cos a माइनस b का फॉर्मूला। cos a माइनस b। अच्छा, cos थीटा माइनस 5/2 का आ गया है तो आंसर। ये किसका आंसर आ रहा है? cos थीटा प्लस 5/2। पता नहीं क्यों कर रहा हूं मैं बार बार। cos थीटा प्लस 5 की वैल्यू आ गई ना बेटा, कितनी आई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2/2, राइट? यस सर।
निमट दो, मैं बिस्तर पाने दो। यहां तक क्लियर है सर? लेकिन हमें क्या निकालना है? tan थीटा माइनस फाइव बाय टू। हाँ, अब इस वाले से हम लोग को अगर यहां पे कहा होता कि tan थीटा प्लस फाइव बाय टू निकालो तो निकाल लेते ना हम लोग। यस सर। अरे बाबा, तुमको अगर cos अल्फा दिया है तुम वहां से tan अल्फा बाय टू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बे? निकाल सकते सर, निकाल सकते है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो है ही नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है? tan थीटा माइनस फाइव बाय टू। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, दोनों को अपन वापस से स्क्वायर करते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक मिनट, मैंने पिछले पेज गलती करी है। मैंने क्या किया? सॉरी, मैंने पिछले पेज पे ऐड किया है ना रे। सही तो है, सॉल्व तो हो गया। मैंने दोनों को ऐड किया है ना। सॉरी, माय मिस्टेक। वाह, ओ भाई साहब, आप लोग तो मतलब बिल्कुल ही, क्या कर रहे हो तुम लोग, डांडिया खेल रहे हो क्या अभी है? तो अपने को cos a माइनस b का फॉर्मूला बोला था अपने, वहां पे cos a प्लस b का लिख दिया। हाँ, तो मैं, मुझे लगा नहीं बन रहा है, तुम्हारा कुछ होगा मिस्टेक क्वेश्चन में। अभी तो हो जाएगा ना। अरे cos थीटा माइनस फाइव आ गया ना, cos थीटा माइनस फाइव आ गया ना। यस सर। तो अगर cos थीटा मालूम है तो tan थीटा बाई टू कैसे निकालते हो? एक शॉर्टकट दें आपको, ये देखिए, सीएनडी लगा दिए। क्या लगा दिए? सीएनडी, और रूट ले लिए तो क्या आएगा? tan थीटा बाय टू। ये चमकता है बेटा। yes, कॉपी करिए। सर, मैंने एक्चुअली यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू ए और कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू बी ऐसा फॉर्मूला लगाया था। तुम उससे डिवाइड करके तुम्हारे पास टेन थीटा प्लस फाइव आएगा ना, माइनस वाला नहीं आएगा। यस सर, मुझे उसी की वैल्यू आ गई। चलो आगे बोलो। नाइन्थ, इलेवेंथ। इलेवन तो कल क्लास में किए थे, याद है मुझे। कॉस दो दो तरीके से किए थे, याद है? यस सर। यस सर। अरे भाई, एक नहीं, दो दो तरीके से किए थे। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या बनेगा? कॉस सी प्लस कॉस माइनस कॉस डी के फॉर्मूला से, और एक डायरेक्ट उन्हें स्क्वायर करने से। हाँ, मैं सीधा स्क्वायरिंग खोल दे रहा हूँ। मन कर रहा है मैं वैसे करूंगा पल वाले तरीके से। अरे यार, क्या कर रहे हो भाई, दिमाग खराब हो गया। टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाय टू है ना, और साइन अल्फा प्लस टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू। तो ये आ जाएगा फोर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाय टू, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा बाय टू बीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय टू, तो वो वन बन गया, वैल्यू वन हो गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो बेटा आगे बोलो। रैप करूं मैं? कॉपी कर ले, इतना फास्ट तुम लोग कॉपी करते हो क्या? कॉपी हो गया?
नो सर ठीक है, कॉपी हो गया सर। बोलो ट्वेल्थ नो डाउट सर, थर्टींथ नो डाउट सर, फोर्टींथ नो डाउट सर, फिफ्टींथ यस सर, फिफ्टीन में एक पार्ट तो कल किया था मैंने, बताओ कल क्लास में फिफ्टींथ का कौन सा पार्ट किए थे बताओ, भूल जा रहे हो तुम, तो नोट्स नहीं पढ़ रहे हो यार बेटा, नोट्स पढ़ो। 45 डिग्री प्लस a by 2 वाला। हाँ नोट्स नहीं पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है चलो। मुझे इसमें एक डाउट है कि रुको मतलब... पहले सिंप्लीफाई करने दो हमको, इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, cos स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर a by 2 सुनो पहले, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट ये मैनिपुलेशन है, और नीचे में cos स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर a by 2 माइनस 2 cos a by 2 sin a by 2, ऊपर में क्या आएगा, क्या हुआ हर्षिता बोलो, cos स्क्वायर a by 2 plus sin स्क्वायर a by 2। हर्षिता यादव डाउट है क्या बेटा आपको, cos स्क्वायर a by 2 minus, आपने हैंड रेज किया इसलिए पूछ रहा हूं मैं, है ना, अभी क्या आ गया ये cos a by 2 बाहर निकाल लीजिए, अरे निकालने आता है ना बाहर की नहीं आता है सर, आता है। अभी थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्ट में सेम क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे, हाँ सर किए थे, किया था सर, किया था, अरे क्लियर है फाइनली, यस सर, कॉपी करिए बेटा, सर बोलो सर, ये जो क्वेश्चन है उसमें से किसी हाँ। भी एक को बाकी दो से दो के तरफ इक्वेट करके भी चलेगा ना, हाँ अरे इतना क्लियर है क्या, यस सर, कॉपी कर लिए, यस सर, नो सर, कॉपी हो गया, यस सर, यस सर, चलो कल जिस टॉपिक पे थे, अच्छा हाँ कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स कर रहे थे याद है, यस सर, यस सर, ठीक है, तो अभी आप इसे बोल रहे हो बेटा कॉस 7 साइन 15, अभी इसे साइन 7 एंड हाफ निकालना है,
साइन सेवन एंड हाफ निकालना है, ठीक है। साइन सेवन एंड हाफ तो बहुत ही गंदा एंगल है, किसका डबल एंगल है बताओ? साइन 15। साइन 15, साइन 15 कौन सा बहुत सुंदर एंगल है, नहीं है ना? इससे अच्छा हम लोग ये यूज करें, देखो कॉस 15 क्या होगा बोलो, वन माइनस टू साइन सेवन एंड हाफ, तो वन माइनस कॉस 15 कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। कॉस 15 निकालने का बहुत सारा तरीका है, तुम्हें जैसे निकालना निकाल लो, हाफ एंगल से निकाल सकते हो और 45 माइनस 30 कितना आ रहा है, 1/√3 माइनस 1/√2 और 1/2 रूट थ्री माइनस 1/2 रूट टू, क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो 1 माइनस cos 15 डालो वैल्यू, 1 √3 - 1/√2 इस होल को 1/2 से रूट, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, साइन 7.5। ये बात चमकती है क्या? 7.5। अरे बेटा ये बात चमकती है, नहीं चमकती है सर? चमकती है सर, चमकती है सर। अभी ऐसे मान लो 10 11 1/2 डिग्री निकालना है, तो कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा हमको? इसका डबल एंगल क्या है, 11 1/4, इसका डबल क्या है, 22.5। यस, अरे ध्यान आ रहा है, अपन क्या लिखेंगे बताओ, 10 22.5 इज इक्वल टू क्या होगा इसका हाफ। अरे हमने कल भी ये सेम क्वेश्चन किया था, याद करना। यस सर, अब इसका वैल्यू कल निकाला था ना अपन ने, रूट टू माइनस वन, चमक रहा है? अब वापस से भाई कल की कहानी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे दोनों तरीके क्लियर हैं क्या, कैसे हाफ से फुल एंगल निकालते हैं या फुल से हाफ एंगल? यस सर, कॉपी करो। और इतना क्लियर है क्या? कॉपी कर ली, आगे बढ़े? यस सर, यस सर। देखो तो ये आपने कुछ बेसिक एंगल्स मैंने ड्राइव किया आपके लिए, क्या क्या ड्राइव किया बताओ अभी तक? साइन 15 डिग्री, साइन 15 कितना आया, साइन 15 कितना आ रहा है बताओ, निकाल के बताओ,
आप लोग बोलते नहीं हो यार। रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू, तो कॉस 15 साइन 15 सेम हो गया। सर कॉस 15 का रूट थ्री प्लस वन टू रूट टू आ रहा है। बहुत अच्छा, गुड। बहुत देर बाद बताए, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग, आपका ध्यान क्लास में नहीं है, ऐसे में सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा, पता है। ऐसे नहीं पढ़ाई करते हैं भाई। कॉस 15 कितना आया? रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट। टेन 15 कितना आ रहा है? रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। जरा रैशनलाइज करके बताओ। कितना आ रहा है बताओ फाइनली? यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। बस का एप्लीकेशन दिखा ले आपको। मान लो मुझे सुनो, मान लो cot 75 निकालना हो, कितना होगा बताओ? cot 75 क्या होता है? 1/1/ tan 75। क्या है यार, tan 75। ठीक है, अभी tan 75 तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या कर सकते हैं उसको? tan 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। कितना आ गया? cot 15। cot 15 क्या होता है? tan 15। ये क्लियर है? यस सर। इतना सब करने से, इतना सब करने से अच्छा हम सीधा पहले स्टेप में नहीं कर सकते हैं क्या? समझ रहे हो क्या निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। बताओ tan 75 कितना होगा? cot 15। और cot 15 क्या होगा? 1/ tan 15। ये बात चमक रही है? यस सर। tan 165 कितना होगा? tan 165 कितना होगा बताओ बेटा? tan 15। tan 15। ये बात चमक रही है? ये पूरा क्या किया हमने? सेट ऑफ 15 के साथ हम खेल सकते हैं ना सब कुछ। अरे इतना क्लियर है? यस सर। कॉपी करिए। कॉपी हो गया? हेलो। यस सर, हो गया। ठीक है, अभी देखो ये थोड़े काम के एंगल हैं, 22.5, 67.5, इसमें ज्यादा काम नहीं है, मेनली इस वाला पे, ये वाला एंगल काम आता है। 10 22.5 कितना निकाला है हमने? रूट टू माइनस वन है ना?
रूट टू माइनस वन. मुझे बताओ कॉट 67.5 क्या होगा? रूट टू बाय वन, रूट टू माइनस वन, प्लस माइनस वन. पागल हो गया? नहीं माइनस वन सर. हाँ कैसे बताओ कॉट 67.5 क्या होगा बोलो. 1090 माइनस 20.5. ये बात चमकती है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एंगल्स खेलना सिखा रहा हूँ बस. ये बात चमकती है? यस सर. 1067.5 कितना होगा बताओ? 1090 माइनस 22.5 cot 67, सॉरी क्या होगा? 1090 माइनस cot 22.5 है ना? 22.5. और जो क्या होगा 1 by 10 22.5. अरे क्लियर है क्या? यस सर. कॉपी करिए. कॉपी कर लिए? यस सर. बताया करो भाई कॉपी कर लिए तो ठीक है. आपको चलो एक और सेट दिखाते हैं आपको. ये एंगल्स का सेट 18 डिग्री 36 डिग्री इसका सेट कैसे इवेलुएट होता है. ठीक है ध्यान देना, बड़ा ही स्टैंडर्ड प्रूफ है. 18 × 5 क्या होता है? 90. तो 18 को थीटा ले लिए, क्या लिखा है? 5 थीटा. 3 थीटा इज इक्वल टू 90 − 2 थीटा. कोई समस्या है यहां तक? नो सर. दोनों साइड साइन ले लिए, कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो सर. साइन 3 थीटा क्या होता है? बोलो भाई. मैंने थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस 4 sin³ थीटा. आपको फॉर्मूला याद करना है ना, पहले आप सातों सेट को ना
अगले 15 दिन तक रोज कॉपी पेन से लिखा करो, सुबह का पढ़ने का शौक रखते हो तो। 1 - 2 sin² θ साइन थीटा को टी ले लिए तो क्या होगा? 3t - 4t³ = 1 - 2t² ये क्लियर है? यस सर। ये क्यूबिक है, इस क्यूबिक को मैं फैक्टराइज कर रहा हूं। टी माइनस वन फैक्टराइज कर लो, 4t² - 1 + 2 = 4t² ये है -4t² + 2t आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा t - 1। इसका मतलब क्या हुआ? या तो t - 1 = 0 और या तो t = -2 + -b² (4 - 4ac/8). क्लियर है? यस सर। तो अभी क्या होगा? t = -1 + √5/2 t = क्या होगा बोलो? -1 + √5/2/4 और या तो t = -1। आपको चमक रहा है? खो गए आप अलजेब्रा में? यस सर। ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास टी क्या है? साइन 18 है ना, तो साइन 18 वन हो सकता है क्या? साइन 18 √5 - 1/4 हो सकता है क्या? यस सर। साइन, अब बताओ इन तीनों में कौन सी वैल्यू पॉसिबल है साइन 18 की? सर √5 - 1/4 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। yes, और ये क्यों पॉसिबल नहीं है सर? क्योंकि साइन 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आंसर विल बी दिस ओनली। ये बात चमकती है। सो व्हाट हैव आई प्रूव्ड? साइन 18 इज हाउ मच? √5 - 1/4 अरे भाई इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर आपने एक वो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करके वैल्यू निकालने का ट्रिक बताया था ना? कॉपी करिए पहले। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? अच्छे से ये प्रूफ कॉपी करो। कॉपी करते भी हो, छोड़ देते हो बीच में ही थक के? कॉपी कर रहे हैं। सर डन। इतना जल्दी कैसे कॉपी हो गया भाई? भाई बाकी लोग प्लीज बता दो यार, कॉपी हो गया तो नहीं करना है तो बता दो फिर। नहीं सर। यस सर।
सर डन ठीक है कॉपी हो गया यस सर यस सर तो yes, भाई sir. हमने क्या सीखा क्या बट नहीं होता साइन 18 का वैल्यू कितना आ गया -1/4 हाँ एक और स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको कॉस 18 वो होता है रूट सॉरी क्या बेवकूफ हो गया मूर्ख हो गया हूं मैं आजकल कॉस 36 भैया सब डिग्री है ध्यान देना रूट 5 + 1/4 तो भैया कॉस 36 कैसे निकालोगे कॉस 36 क्या होगा 1 - अरे बोलो 2 sin² 18 समझ में आ रहा है यस सर देखो भाई एक बात ध्यान रखना जिस दिन से पढ़ाई करने का मन करे उस दिन पढ़ाई करने लगना मुझे बता देना सर हम पढ़ाई कर रहे हैं जो हेल्प चाहेगी दिन मिल जाएगी आपको ठीक है लेकिन कभी वो दिन ऐसा नहीं कि 2 साल बाद दिन लाना फिर बहुत लेट हो जाएगा यहाँ क्या लिखा है 5 + 1 - 2√5/4 क्या आएगा बोलो सर 4 का 16 हो जाएगा ना वो भी तो स्क्वायर हो रहा है 16 आ गया बोलेगा तब कोई 8 आ गया तो अभी क्या आएगा 6 - 2√5/8 तो 1 में से माइनस भी तो करोगे यस सर मतलब वो माइनस करने के बाद ना आ रहा है 5 - 2√5/8 अरे भाई 8 - 6 ना तो 2 + 2√5/8 है ना कितना आ गया बेटा √5 + 1/4 ये बात चमकती है क्या सर 2 + 2√5 कैसा आया अरे बेटा एलसीएम ओके सर अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल बे हम क्या सोच रहे हैं ना कि मतलब एक दिन क्लास 7th-8th की बुक लाते हैं क्या कहते हो बनाया जाए क्या आरडी शर्मा एक बार करना पड़ जाएगा ऐसे ऑनलाइन में तो क्योंकि एक बच्चा पिछले वाले क्लास में कुछ तो पूछा हमसे तुम्हारे ही में पूछा उसमें पूछा पता नहीं यार वो हमको बोला कि सर इसका आंसर 3/7 होगा और मुझे मन किया कि मैं खिड़की खोलूं और जाऊं अब ठीक है अरे इतना क्लियर क्या बता दूं आपको यस सर ठीक है आपको चमकता है ना डिग्री और अच्छा ये बताओ आपको ग्राफ राफ याद है ग्राफ राफ भूल चुके हो अरे ग्राफ बनाए थे ना नहीं बनाए थे हेलो यस सर साइन थीटा कॉस थीटा वाला याद है सर आपके बैच में ग्राफ बनाए थे ना आज तक बस 6 लोगों ने भेजा है मैं काउंट कर रहा हूँ भैया ग्राफ बनाए हैं ना सब लोग यस सर अगर नहीं बनाया तो अगर नहीं बनाया कोई बुरी बात नहीं है अब मान लो ग्राफ ऐसा होता है ना अब बनाया है पता नहीं ठीक है बनाया तो बहुत लोगों ने नहीं था वैसे उस लोगों ने भेजा था अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है 90 डिग्री लेकिन रियल नंबर लाइन पर 90 डिग्री से प्लॉट होता है क्या लिखना पड़ता है 5/2 कितना होता है रे 1.57 अच्छा ये बताओ साइन 2 बड़ा है कि कॉस 2 बड़ा है नहीं समझे बताओ हाँ अरे साइन 2 बड़ा है कि अरे बताओ कॉस 2 कहाँ पे होगा इस ग्राफ में आइडिया है अगर तुमने प्लॉट किया है तुमको आइडिया तो होगा ना कि ये वाला पॉइंट क्या है सर ये तो 3.14 है ना यस सर आप बताओ 2 कहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा दोनों के मिड पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली भाड़ में क्या मिड पॉइंट है बेटा अच्छा बताओ तो ये वाला जो आउटपुट होगा ये आउटपुट क्या है बताओ 2.0 साइन 2 ना
अरे बेटा ग्राफ प्लॉट किए थे ना इनपुट वर्सेस आउटपुट, हेलो, और ये वाला आउटपुट क्या होगा बताओ, आप लोग की बैंड बजने वाली है अब, बोलो क्या होगा ये आउटपुट, टू कॉमा कॉस टू है। अरे आपको चमकता है, आपने ग्राफ प्लॉट किया था ना, याद है आपने ग्राफ प्लॉट किया था, आपका रेडियन में वैल्यू था, आपका साइन एक्स था, क्या याद है आपने प्लॉट किया था ना 1.57 पे आउटपुट 1, नहीं किया था प्लॉट, किया था ना? यस सर, किया था। आप ग्राफ पे वैल्यू क्यों नहीं बता पा रहे हो मुझे? अरे भाई ये वाले पॉइंट पे जब ये 2 से ऊपर जाऊंगा तो 2 पे साइन वाले ग्राफ पे आउटपुट क्या है, साइन 2 है कि नहीं है? जब नीचे आएंगे तो क्या होगा बेटा, 2 cos 2 होगा ना यार, क्लियर है? यस सर। कौन बड़ा है, साइन 2 बड़ा है cos 2 बड़ा है? साइन 2। ऑब्वियस ना, क्यों? अब सिंपल सी बात है, साइन 2 जो है वो y एक्सिस के ऊपर है और cos 2 जो है वो नीचे नीचे। तो cos 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव पॉजिटिव। ये बात चमकती है मित्र। हां सर। यस सर। कॉपी करो, कॉपी करो लास्ट ये फटाफट, मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ क्लास के बाद, ठीक है? कॉपी कर लिए? नो सर। कॉपी कर लिए? यस सर। अभी तो कॉपी कर रहे हो क्या? हो गया? डन सर। यस सर। नीचे लो कॉपी किए? मेरे भाई ये कॉपी किए कि नहीं किए? नहीं सर, एक सेकंड। नहीं सर। प्लीज कॉपी करिए अच्छे से, स्टेट बोर्ड की बुक से, बुक 1 से चैप्टर 1 और चैप्टर 2, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। तो होमवर्क क्या है, रिपीट करो। स्टेट बोर्ड की बुक से चैप्टर 1 चैप्टर 2। ओके सर। स्टेट बोर्ड बुक 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 रब करें? यस सर। चलो भाई ठीक है, बाय बाय।